अभी हम आरा में मौजूद है, जो कि पवन सिंह, यहाँ से बताया जा रहा है कि चुनाव लड़ने वाले जो बंगाल से जो टिकट मिला था वापसी के बाद यहाँ आरा में लड़ने वाले हैं। या दिखाइए, थोड़ा घुमा कर दिखा दीजिए। हम आरा स्टेशन पे मौजूद है और हम पूरे पब्लिक से जानने का प्रयास करेंगे कि आरा से टिकट मिलता है तो क्या होगा, पवन सिंह मतलब एमपी बनते हैं नहीं बनते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी चैलेंज भी है पवन सिंह के लिए, क्योंकि यहाँ से आरके सिंह जो है लगातार जीतते आए। तूफानी जी है हमारे साथ, पहले सबसे पहले स्वागत है। क्या कहेंगे पवन सिंह तो बंगाल से टिकट वापस करके बताया जा रहा कि आरा से चुनाव लड़ने वाले। देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद मैं करना चाहूंगा, और पवन सिंह टिकट रिटर्न करके और जीत था कि हम आरा से ही लड़ेंगे तो आरा से उनको टिकट मतलब मिलने वाला शायद हो सकता है कि है 99% विश्वास लोग कर रहे हैं कि मिल जाए आरा से ही, ऐसा लग रहा है कि मिलेगा भी। तो जी, तो देखिए, हम यही कहें कि पवन सिंह को सांसद अब आरा से बनाइए, और अभिनेता तो बहुत दिन तक रह चुके हैं, और नेता बनाइए और कुछ उनसे काम करवाइए, और जो यहाँ का समस्या है वो सब दूर भगवाइए। बहुत मनोरंजन करा लिए, अब लोगों का समस्या दूर करिए, ठीक है। तो यही हम सब लोग का चाह है, कहीं ना कहीं सभी लोग ये चाहता है। अच्छा, गाना गाते हैं, कैसे गाना गाते हैं आप? गाना भी दो चार को हमेशा लेके आते हर मुद्दे पे आप। देखिए, बात ऐसा है कि पवन सिंह कलाकार है, हम एक कलाकार नहीं, हम एक मेहंदी आर्टिस्ट है, ठीक है, आपको ऐसा पता है। तो मेहंदी आर्टिस्ट, तो मेहंदी आर्टिस्ट नाते हम देखो गाना गाते हैं, लेकिन दो लाइन बोलना चाहेंगे हम, सुनिएगा। पवन सिंह नाम है भैया घर द्वार पड़ेला आरा, पवन सिंह नाम है भैया घर द्वार पड़ेला आरा, और नेता बन जाइए तो शिक्षा स्वास्थ्य सब कुछ सुधरिए, काम करिए उस सारा, ठीक बा। तो पवन सिंह को नेता बनाइए, और हम एक गाना सुनाएंगे आपके चैनल के माध्यम से, सुनिएगा। गाना बनाया है, पवन सिंह के सांसद बनाइ है हुजूर, पवन सिंह के सांसद हर बनई है हुजूर, सारा समस्या तुहर कह दी है दूर, इज्जत मान सम्मान मिली भरपूर, सारा समस्या तुहर कह दी है दूर। इस पे गाना हम लिखे हैं, सुनिएगा। अरे पवन सिंह गायक ढेर दिन तक रह गए, नायक ढेर दिन तक रह गए, लेकिन चाहते हैं कि नेता बने, सब लोग चाहते हैं, हम भी चाहते हैं भाई, मेरा भी चाह है, कहीं नहीं चाह होगा। अरे की गायक बनल तू नायक बनल, बनल सबके चहेता हो, अरे सबका के चाह बाटे हो, पवन सिंह बन जा बिहार में नेता हो, अरे लईका जवाने अरे बुढ़ावा से आने आशीर्वाद तुहके तो देता हो, सबका के चाह बटे हो, पवन सिंह बन जा बिहार में नेता हो। जब कलाकार एक नेता बनेगा ना तो कहीं ना कहीं लोगों का फीलिंग समझेगा, कहा कि कलाकार हमेशा संस्कारी होता है, और जो नेता होता है 99% भ्रष्टाचारी होता है, और जो अपने आप को बोलता है कि हम समाज सेवी हैं वो सबसे बड़का अहंकारी होता है, समझे। तो पवन सिंह बोलते हैं बात को, लोग कहता है कि थोड़ा टाइट बोलते हैं, कड़ा बोलते हैं, किसी को गुस्सा आ जाता है। तो क्या बाबू, पवन सिंह कड़ा बोलते हैं? आइए थोड़ा सा, आइए। पवन सिंह कड़ा बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, लेकिन लोग कहता है कि पवन सिंह कड़ा बोलते हैं, तो दुल्हन लिखे हैं उस पर हम। देखिये, बाबू कुंवर सिंह का धरती से पवन सिंह है, तो हम एक बात बोलेंगे, बात बोले ले काला केहू का लाग जला, केहू के गोली, केहू का लाग जला छाड़ा, और दो सुनका में कहाँ बा, उनका घर है बाबू कुंवर सिंह के धरती जिला भोजपुर आरा। तो बाबू कुंवर सिंह के इतिहास तो सबको जानता था, अब बताओ की जरूरत नहीं कि हमारा 80 बरस के मतलब उम्र हो गई, तो में जवानी आगे रहे, और कह जाला कि जब 35 पार होला नो आदमी ढंग के मैच्योर हो जाला, तो पवन सिंह की पार हो गई बा, और पवन सिंह बचपना भुला गई बने, लड़कपन में जोन भल तो गलती भई, लेकिन उनका सांसद बनाई और आरा के पूरे बिहार के विकास कराई, ये चाह बा। अच्छा, गाना और कुछ है? अरे गाना देखिए, मेरे पास गाना बहुत खजाना है, ठीक है ना, एक और देखिए, सुनिए गाना, में एक और सुनाएंगे चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से। भ्रष्ट नेता मंत्री के देखनी जा ढेर हो, पवन सिंह के मौका तू दे दे अब की बेर हो, ही बा जरूरत चाचा भैया तोहर प्यार के, आ मिटी मिटई है बेरोजगार के, दूर करी है भ्रष्टाचार के, आ सांसद बनाव पवन सिंह कलाकार के। तो सांसद बनाइए पवन सिंह को। अच्छा, क्या कहेंगे आप लोग, युवा है पवन सिंह को जानते हैं, टिकट मिले, पवन सिंह को टिकट मिलने वाला है, लेकिन हम लोग का पूरा विश्वास है, लेकिन देखिए अब आगे होने वाला क्या है, मतलब कि यहाँ से टिकट मिलता है तो आप लोग वोट देंगे, जितवाएंगे पूरा।
आप लोग क्या जानते हैं पवन सिंह? हाँ जानते हैं। तो क्या आप लोग वोट देंगे पवन सिंह को? हाँ वोट देंगे पवन सिंह को देंगे। आर के सिंह यहाँ बहुत पुराने से है हमारा, तो उनको नहीं देंगे? वो नहीं आ सकते है। क्यों नहीं आ सकते? चलिए कुछ लोग हैं। अच्छा एक बात फानी जी, काफी लोग देख रहे थे ज्योति सिंह और पवन सिंह को मुद्दे को, तरह तरह के सवाल जो खड़े कर रहे थे कि ये बात ऐसा है कि हम एक बात बोलेंगे कि पवन सिंह जिस प्रकार से अपने संस्कार को दिखाए हैं, ये आरा के ऊ लड़का हमें नाम है पवन सिंह कलाकार, ये आरा के ऊ लड़का हमें नाम है पवन सिंह कलाकार, अब पूरा दुनिया के दिखा दे कि क्या होला जिला भोजपुर के संस्कार। और जिस प्रकार से महिला का उन्होंने सम्मान किया है, अपमान का जो लगा था धब्बा वो मिट गया है, बहुत ही सराहनीय है। एक गाना उसे बनाया है, हम सुनिएगा। पवन सिंह है ज्योति सिंह के अपन इले भैया, बिहार के लाज बचैले भैया, होला नारी के का समान सबके बतैले भैया, बिहार के लाज बचैले भैया। कुछ लोग कहत रहे कि पवन सिंह पत्नी के ना संभाल पैले तो देश का सदा का संभाल पाइए, तो एगो बात उनका लोग से कहे के चाहम कि दुलहिनिया घरे आ गईली, कि दुलहिनिया घरे आ गईली पवन सिंह के सांसद मनावो हो, और चाचा भैया भौजी से विनती हम करी ले कि विजय के माला पहिरावो हो। अच्छा क्या कहेंगे पवन सिंह को, जानते हैं आप? हाँ जानते हैं। चुनाव लड़ने वाले हैं आरा से, क्या आप लोग वोट देंगे किसको देंगे? हम तो आर के सिंह को देंगे। आर के सिंह जी, तो बताया जा रहा कि आर के सिंह इस बार नहीं लड़ेंगे, पवन सिंह ही लड़ेंगे यहाँ चुनाव? देखिए जो कार्य करने वाला है उन्हीं को वोट दिया जाएगा। तो मान ली कि भाजपा से अगर पवन सिंह आते हैं तो पवन सिंह को नहीं दीजिएगा? अब पार्टी किनको टिकट देगी किनको नहीं देगी अब वो पार्टी न बताएगी। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, बंगाल से पवन सिंह को टिकट मिल गया था, हाँ। अभी वहाँ से बोले कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे किसी कारणवश, हाँ। लेकिन अब बताया जा रहा कि आरा से अभी जेपी नड्डा से कल मुलाकात किए थे, और उसके बाद क्या लोग लगा रहे हैं कि आरा से मतलब टिकट मिलेगा? पार्टी देखेगी किसको टिकट देगी या ना देगी, तो ये पार्टी ना जानती है। अब आसनसोल सीट से अब उनको चुनाव नहीं लड़ना था या पार्टी लड़वाना चाहती थी, अब उनका ना मन था लड़े कि ना लड़े। आरा से लड़ते हैं तो आप लोग वोट देंगे ना पवन सिंह को? अगर पवन सिंह को पार्टी अगर देती है तो हम लोग तो वोट देवे करेंगे, हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग तो बीजेपी के कार्यकर्ता है, और पार्टी के आदमी को ना वोट देगा और किसको देगा? बीजेपी के, बीजेपी के। तो पार्टी बदल के आते हैं पवन सिंह, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आरजेडी से भी टिकट मिल सकता है, लड़ सकते हैं चुनाव। अब हम कैसे कर सकते हैं कि आरजेडी से आएंगे कि बीजेपी से आएंगे? आरजेडी से आते हैं तो क्या वोट तो नहीं देंगे? ना अभी देखा जाएगा, अभी आप लोग क्या कहेंगे? युवा है पवन सिंह, जानते हैं? पवन सिंह जानते हैं, आरा का रहने वाला है, हाँ। वो आरा का किंग है ना, तो अभी लड़ने वाला है चुनाव, तो वोट देंगे आप लोग? जी यस। इतना कहेंगे हम कि पवन सिंह के सांसद बनावे के बा, अरे विजय के माला पहिरावे के बा, मिटी बेरोजगारी, अरे मिटी भ्रष्टाचारी, गावे गावे सबके बतावे के बा, पवन सिंह के सांसद बनावे के बा, अरे बिहार में झंडा लहरावे के बा। तो पवन सिंह को, हाँ भैया क्या कहेंगे आप लोग पवन सिंह के लिए? बीजेपी से सीट मिलेगा तो पवन सिंह का वोट दिया जाएगा, पवन सिंह को दिया जाएगा। चलिए तो यहाँ दिखाइए आरा, ये जंक्शन है और पवन सिंह का गृह जिला में हम लोग पहुंचे हुए हैं। हम कुछ बातचीत कर रहे थे जो कि टिकट मिलने वाला आया आरा से, तो हमारी बातचीत हमारे वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा।